नमस्कार बच्चों, सभी को इस वीडियो पर आपका स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के अभिनव मनुष्य कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। अभिनव मनुष्य कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी का परिचय हम देखेंगे। कवि रामधारी सिन्हा दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद का नियुक्त हुए। सन 1974 को उनका देहांत हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपछाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरति आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ति शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। अब हम पद्य भाग को देखें तो सब गाने को ध्यान से सुनिए। जा रहा है यहाँ कांप
पद्य सुना है ना, कैसा लगा? अच्छा लगा है ना? अब हम पद्य को देखेंगे, पद्य का भावार्थ अर्थ देखेंगे। कवि पहले कहते हैं, अभिनव गीत का अर्थ हम देखेंगे तो अभिनव, अभिनव का अर्थ है नया, नया मनुष्य। पुराने और आजकल के मनुष्य कैसे, दोनों में कैसे अंतर है, इसका तुलना कर रहे हैं। वे दोनों में क्या अंतर है, पहले क्या था, अब क्या बदलाव हो गया है हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव हो गया है, इसके बारे में कवि बता रहे हैं।
पहले पृष्ठ को हम देखें तो आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कवि कहते हैं आज की दुनिया बहुत विचित्र और नवीन है। आज की दुनिया कैसी है, दुनिया विश्व प्रपंच कैसी है, बहुत विचित्र है और नवीन है, नया है, नवीन नया वसा। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, सारे प्रकृति पर मनुष्य विजय पाई है। मनुष्य ही पहले है, प्रकृति को अपने हाथों में बांध कर रखा है। हे बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, मानव के करों में कर हस्त करों में बांध लिया है। कट्ठा किधर है याद है ना, वारी विद्युत भाप, वारी जल नीर, विद्युत भाप भाप हवा को मनुष्य क्या कर रहा है, अपने हाथों में बांध लिया है। हमारे बात सुनते हैं पानी विद्युत भाप, ये सभी हम मनुष्य के बातों को सुनते हैं। हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, पवन हवा, हवा का ताप उतरता चढ़ता हुकुम, मनुष्य के हुकुम पर ही वह चढ़ता उतरता है। मनुष्य आज बहुत साधना किया है, क्या क्या साधना किया है, प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है, सारे प्रकृति को अपने हाथों में रखा है। जल पवन विद्युत सभी मनुष्य के बातों को सुनते हैं। हे नहीं कहीं व्यवधान लांग सकता नर सरित गिरी सिंध एक समान, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है ज्ञान। हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कुछ भी बाकी नहीं है, मनुष्य सभी विषय में क्या किया है, साधन किया गया है, साधना किया है, कुछ भी व्यवधान नहीं है, पर्दा रुकावट कष्ट रुकावट नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु, एक बार मनुष्य गिरी सिंधु और सरित को लांग सकता है, सागर पहाड़ और नदी को एक समान लांग सकता है। लांगना पार करना मनुष्य क्या कर सकता है, एक बार ही, चाहे वह पानी को लांग सकता है पार कर सकता है, चाहे तो पहाड़ को गिरी को पर्वत को लांग सकता है और नदी को पार कर सकता है, इतना बुद्धिमान है मनुष्य। जिसका गगन में जा रहा है यान, इसका यान, यान माने प्रयाण, उसका प्रयाण यान यात्रा कहाँ जा रहा है, गगन पर जा रहा है, गगन की ओर जा रही है। मनुष्य सिर्फ पृथ्वी में नहीं रह रहा है, वह गगन में भी चल रहा है, अन्य ग्रहों में भी जाकर काम कर रहा है। देखिए नदी सागर पर्वत ये सभी को एक बार लांग सकता है पार कर सकता है, और वह गगन पर जाता है उपग्रह से और विमान पे आकाश में जाता है, इस तरह है मानव। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार
ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। कांपते कांपते हैं मनुष्य के करों को देखकर। कर का अर्थ है हस्त हाथ। मनुष्य के हाथों को देखकर परमाणु भी कांपते हैं। कांपना नड़गुदू। परमाणु भी मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। यह मनुज सृष्टि का श्रृंगार है। आप जानते हैं सृष्टि का श्रृंगार है। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। मनुष्य में ज्ञान है विज्ञान है आलोक का आगार है। आगार माने भंडार घर। ये सभी का उनमें ज्ञान है विज्ञान है। सभी में वह क्या किया है साधना किया है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। इसे सब कुछ पता है। व्योम से पाताल तक। व्योम माने आकाश। पाताल भूगर्भ। इस सभी विचार में उसे जानकारी है ज्ञेय है जानकारी है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। परमाणु कांपते हैं मनुष्य को देखकर। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य नहीं तो सृष्टि का श्रृंगार से देखने वाला कौन भी नहीं रहता था। ज्ञान का विज्ञान का ज्ञान विज्ञान आलोक का आगार है। प्रकाश का आलोक माने प्रकाश का आगार। आगार घर। इस सभी का घर है मनुष्य। खनिज है। व्योम से पाताल तक गगन से भूगर्भ तक उनको बहुत जानकारी है। सब कुछ जानता है। पर ना यह परिचय मनुज का यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य पुर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। मनुष्य सब कुछ साधना कर रहा है। व्योम से पाताल तक जाता है। प्रकृति को अपने हाथों में रखा है। वारे विद्युत बाप को अपने घरों में बांध लिया है। ये एक समान लांग सकता है नदी सागर पहाड़ को। पर आदरे क्या कर रहा है ना यह परिचय मनुज का। मनुष्य मानव का परिचय ही नहीं समझता। भाईचारे नहीं है। आपस में झगड़ते हैं। देखिए इस चित्रों को। आपस में झगड़ते हैं। चोरी करते हैं। गंदी गंदी बातें करते हैं। मारते हैं पीटते हैं। शोषण करते हैं। ये सभी कर रहा है। मनुष्य को मानव का परिचय भी नहीं है। विज्ञान में आगे बढ़ गए हैं लेकिन मनुष्यत्व को वे भूल गए हैं। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। वह श्रेय याद बोल श्रेय है बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। उर हृदय को जीतना है। जीतना गेलुवुदु। उर हृदय हृदयवन्न गेलबेकु मदलो। ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಶ್ರೇಯ ಮಾನವ್ ಕಿ ಅಸೀಮಿತ ಮಾನವೋನ್ ಸೇ ಪ್ರೀತ್. ಪೆಹಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ ಸೀಖ್ನಾ ಹೇ. ಮಾನವ್ ಮಾನವ್ ಸೇ ಜಗಡ್ನೆ ಕೋ ಭೂಲ್ ಕರ್ ಸಭಿ ಆಪಸ್ ಮೇ ರಹೆನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಕಹತೆ ಹೇ. एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कैसे रहना है एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान को तोड़ना है। एक मानव और दूसरे मानव के एक दीवार है। दीवार माने गोड़े को तोड़ना है। ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ
ಗೋಡೆಯನ್ನ ಮುರಿದಾಕ್ಬೇಕು. ತೋಡದೇ ಜೋ ಬಸ್ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ ವಹಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಆಪಸ್ ಮೇ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿ ಹೋತಾ ಹೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೋತಾ ಹೇ. ಪ್ರೇಮ ಕರ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ಅಮ್ ಸಭಿ ಕೋ, ಆಪಸ್ ಮೇ ನಾ ಜಗಡ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ಪ್ಯಾರ್ ಸೇ ರಹನ ಚಾಹಿಯೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕೋ ನಾ ಭೂಲ್ನ ಚಾಹಿಯೆ ವಹಿ ಮಾನವ ಹೇ. ದೇಖಿಯೆ ರಾಮಧಾರಿ ದಿನಕರ್ ಸಿಂಹ ಜಿ ಕ್ಯಾ ಸೋಚತೆ ಹೇ, ಮನುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಸಾಧನಾ ಕಿಯಾ ಹೇ, ವ್ಯೋಮ ಸೇ ಪಾತಾಲ್ ತಕ್ ಜಾತಾ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೈಸೆ ರಹನಾ ಯೇ ನಹಿ ಸಮಜ್ತಾ ಹೇ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಮನುಷ್ಯ ಪೆಹಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ನ ಸೀಖನಾ ಹೇ, ಆಪಸ್ ಮೇ ಖುಷ್ ಸೇ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೆ. आशय है कविता का आशय हम देखें तो इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। कवि का आशय आप समझे क्या है? वैज्ञानिक युग और आधुनिक युग का विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ दिनकर जी। वे ये संदेश दे रहे हैं, मनुष्य प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है, परंतु आपस में कैसे रहना, भाईचारे को नहीं समझ रहे हैं, मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है, इसे ना भूलना चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्यार से रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए और आपस में रिश्ता जोड़ना चाहिए और आपसी दूरी को मिटाना चाहिए। यही मनुष्य कहलाते हैं, यही मानव है, नहीं तो वह मृग होता है। ऐसे इस कविता का बच्चों आज आप दिनकर जी के संदेश को देके अब हम जाएंगे